गाइस कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि रिप्ले मोड कैसे डाउनलोड ऐड करें पंजाब में, या पंजाब लॉन्चर कैसे डाउनलोड करें, ये तो पता ही होगा सबको, या अपलोड ही ना करो। पता नहीं किस बंदे ने अपलोड ही ना करो वोट किया, पर 78% बंदों ने लिखा है कि हाउ टू ऐड रिप्ले मोड ऑन पंजाब। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि पंजाब लॉन्चर में रिप्ले मोड कैसे ऐड करना है। तो इसके टोटल 5 स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्रोम या गूगल पे सर्च करना है फैब्रिक इंस्टॉलर 1.19, जो भी आपका वर्जन होगा 1.19 के ऊपर ही रखना, वरना सही नहीं होता। तो फिर इसको सर्च कर देना और इसको क्लिक करना टॉप पे, फिर इसको रहने दो, ये वाला करना। और आ गया, फिर आपको डेस्कटॉप ये आ गया, इसको क्लिक करना डाउनलोड इंस्टॉलर यूनिवर्सल .jar, तो इसको डाउनलोड कर देना। मैंने पहले का क्लियर से लिया, यहाँ डाउनलोड अगेन आ रहा है। सर्च करना फैब्रिक API 1.19.4, मैं यही करूँगा। तो फिर मैं यहाँ से ये कर्ज फोर्ज वाले वेबसाइट पे जाके डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेनी है। देख लो भाई 10% बैटरी, फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं। फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना थोड़ा सा डेस्कटॉप साइट के, फिर यहाँ इसको क्लिक करना 1.19.4 फैब्रिक, जो आपका वर्जन होगा। फिर डाउनलोड पे क्लिक करना, इसको नहीं करना, डाउनलोड नहीं, इंस्टॉल पे क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक करना। और फिर यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर वेट करना, फिर यहाँ डाउनलोड लिंक आ जाएगा। सो ये ऊपर लोडिंग हो गई और ये लिंक आ गई, ये डाउनलोड में आया। तो फिर इसको डाउनलोड करना, रिसर्च करना क्या था, रिसर्च करना आपको, फिर आपको सर्च करना ऑप्टी फैब्रिक, इस पर कर्ज फोर्ज वाली आएगी, इस पर क्लिक कर देना टॉप वाली वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपके वर्जन सेलेक्ट करना है आपका जो भी है, ये मेरा 1.19.4, इस पर क्लिक किया मैंने। और फिर इसको वो करना 1.19.4, इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। और थोड़ी टाइम वेट करना है, अभी यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, जब लोडिंग आएगी तब, मतलब हो गया थोड़ा सा टाइम और ये आ गया, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले के क्लियर से लिया, डाउनलोड हो गया ना। फिर ये सबसे वो वाला मेन है जिससे आपका रिप्ले मोड चलेगा, अगर सर्च करना रिप्ले मोड और जो भी वर्जन, फिर ये पहला वाला लिंक ही क्लिक करना है। ये कर्ज फोर्स वाला नहीं करना, इसका पहला लिंक क्लिक करना, कर्ज फोर्स वाला मत करना, मेरी एडवाइस है, इसमें जल्दी हो जाता है। और फिर ये 1.19.4 जो मेरा वर्जन है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मतलब ये आ गया है। अब इसको डाउनलोड कर लेना, मेरा डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको जेड अचीवर में जाके दिखा देता हूँ। फिर आपको जेड अचीवर में आके डाउनलोड में चले जाना, और जितने भी हैं फिर इसको मल्टी सेलेक्ट को क्लिक करना। और ये फैब्रिक API ध्यान से देखना, मेन है ये फैब्रिक API, फैब्रिक इंस्टॉलर मत करना, ऑप्टी फैब्रिक कहाँ गया 1.19, रिप्ले मोड भी कर लेना, ऑप्टी फैब्रिक शायद अभी डाउनलोड नहीं हुआ, मैं फिर से डाउनलोड लगाता हूँ एक बार। हाँ देखिए ये यहाँ पे आ गया ऑप्टी फैब्रिक, ये वाला ले लेना। और आपको चाहिए ऑप्टीफाइन 1.19.4, जो भी आपका है। अरे यार ये सारे हो गए, एक बार फिर से बता देता हूँ, फैब्रिक API 1.19.4, फिर ये फैब्रिक इंस्टॉल मत करना, फिर ऑप्टी फैब्रिक 1.19, और फिर ऑप्टीफाइन 1.19, और फिर रिप्ले मोड पे टिक करना, और कट पे क्लिक करके बैक आ जाना। और गेम्स में अगर आपका पंजाब लॉन्चर आता है तो करना, अगर नहीं आता मैं बता दूँ। फिर आपको जाना है एंड्रॉयड में, डाटा में जाना, और सबसे नीचे स्क्रॉल करना, सबसे नीचे आएगा पंजाब
आपके भी नीचे आएगा सबसे पहले आप, फिर मोड्स में जाना है, मतलब डाटा, फिर अगर आपका ये देखो यहाँ पे मेरा डॉट माइनक्राफ्ट आ रहा है, अगर आपका नहीं आए तो ये व्यू पे क्लिक करके ये हिडन को ऐसे आए तो ऐसे आएगा आपको शो, तो फिर व्यू पे क्लिक करके हिडन पे ऐसे कर देना, फिर ये सारे आ जाएंगे। और फिर आपको जाना है मोड्स में और फिर इस पर क्लिक कर देना और ये सारे मोड्स लग जाएंगे। और सबसे ज़रूरी स्टेप है अभी ये वाला इंस्टॉल जार, मैं फिर से बता दूँ, ये इंस्टॉल जार पर क्लिक करके फैब्रिक इंस्टॉलर जो आपने डाउनलोड किया था ये, इस पर क्लिक करना और फिर आपको ये इस पर क्रॉस पर लगा करके माउस पर क्लिक कर देना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये डाउनलोड, जितने टाइम लेते हैं डाउनलोड होने में, लेने लेना मतलब 5 मिनट लेता है, अभी 2 मिनट में यहाँ आ जाएगा, 5-6 मिनट लेगा ये डाउनलोड होने में। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो जो माइनक्राफ्ट का आपका वर्जन होगा वो सिलेक्ट कर लेना और ये लोडर वर्जन जो ही ठीक होगा, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना, फिर कुछ ऐसा आ जाएगा। कुछ देर के बाद यहाँ पर डन आ जाएगा, मैंने पहले का किया तो मेरे नहीं आ रहा, फिर आपको फोर्स क्लोज कर देना और पंजाब लॉन्चर को ऐसे करके उड़ा देना, तो फिर से पंजाब लॉन्चर ज्वाइन करना और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आएगा एक फैब्रिक लोडर, तो उस पर क्लिक करना, जैसे मेरा ये 1.19.4 इस पर क्लिक करके प्ले कर देना और ये ओपन हो गया। फिर आपको इस पर क्लिक करना है ये जो सेटिंग वाला, फिर लोग आउटपुट पर क्लिक कर देना, वो आपकी मर्जी अगर आपको करना है या नहीं। ये क्या हो गया, गेम लीव, फिर आपको प्ले पे क्लिक करना है। फिर से मेरा नेटवर्क मैंने थोड़ा चेंज किया तो वैसे भी हो गया, तो वेट करते हैं आप, तो फिर से ओपन हो गया, फिर से यही आ गया, ये हो गया, गया। तो अगर आपके भी ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आपको डाटा में जाती है, अगर आपको नहीं आती तो ठीक है, अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आपको ये डाटा में जाके फिर से वही सेम करना है, हिडन डॉट माइनक्राफ्ट, फिर मोड्स में जाना है और ऑप्टी फैब्रिक और ऑप्टीफाइन को डिलीट कर देना, बस आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो गाइस आज की इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मैम मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।